तो मैं ITL गया सियाटल में। सियाटल में मेरे दोस्त है कैन डेविस, उसके साथ जिसने फैक्स अभी बनाया, जिसने कॉलेट बनाया, तो उसको मैंने फिर इस तरह पहली दफ़ा बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाया कि देखो जब कॉल आए तो उसको, वो मैं बना चुका था जुगाड़ PBX वगैरह। तो अब मैंने उसको सिर्फ इतना बताना था कि तुम्हारे पास कॉल आ जाए डिजिटल, तुम डायल आउट कर दो इससे। वो जो डायलर मैंने ख़रीदा था एक, वो $350 का एक डायलर था, सिर्फ डायल करता था नंबर वो। तो मुझे चार लगाने पड़े, एक कॉल ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट मेरी $350 थी एक एक डिवाइस को लाने की। आज हम 25 सेंट में DID बेचते हैं, ठीक है। तो एक DID की कॉस्ट ट्रांसफ़र करने की सिर्फ $350 थी सेटअप कॉस्ट। उसने क्या किया, एक डब्बा लिया, उसने PRI लगाई और इसके आगे एनालॉग कार्ड लगा दिया, उसमें डायल आउट हो जाता था। तो जैसे ही कॉल आती थी DID पे, वो लाइन वन पकड़ता था और डायल कर देता *7011*11#। और ये मुझे इंटरफेस दे दिया उसने वेब बेस्ड, कि जो मर्ज़ी डायल कराना है यहाँ से डायल आउट करा लो। तो PRI पे कॉल आ जाती थी और मैं ऐसे डायल आउट करा देता। तो मेरे पास इंटर, अब जो कस्टमर कहता था कि मुझे, मैं अब मैंने ये सर्विस बेचना शुरू कर दी $15 महीने में। जब उसने डब्बा बना दिया मुझे जादू का, तो मैंने उसको बेचना शुरू कर दिया। बेचता किस तरह से था कि आपको मैंने 5 सेंट में पाकिस्तान की कॉल दी थी ना, तो पाकिस्तान में कॉल जब मैंने दी तो आपकी डिवाइस के ऊपर एक नंबर होता *7100*40, ये मैं उस इंटरफेस में डाल देता था जाके। अब जब आप एक नंबर पे कॉल करते थे, फिर मैंने उससे एक और सर्विस बनाई। मैंने कहा ये 1206 1234 56 को जो भी कॉल करेगा पूछेगा, प्लीज़ एंटर योर सुपर फोन आईडी नंबर। एक IVR आ जाता था, वो सुपर फोन आईडी नंबर टाइप करता, *7100*40, प्लीज़ होल्ड व्हाइल आई कनेक्ट द लाइन। कॉल ट्रांसफ़र हो जाती थी अगर वहाँ फ़ोन ऑन होता था, तो अगर फ़ोन ऑन नहीं होता था, सॉरी योर फ़ोन इज ऑफलाइन, डिस्कनेक्ट। सिंपल सर ट्रांसफ़र था। आज हम ये 15 मिनट में बना सकते हैं, इसको बोलूँगा बना देगा। उस वक्त मुझे $45,000 कॉस्ट आई थी बनाने। उसने कहा कि भाई मैं तो पैसे दे दो। मैंने कहा भाई इतने पैसे तो है नहीं। तो कहने लगा चल किराया दो लाइन का। तो मैं हर महीने उसको $1500 देता था लाइन का किराया, हर लाइन का मतलब नहीं $15। मेरे पास 100 DIDs थी खाली। और आज मतलब मिलियन थी।